वेलकम बैक ब्लॉगिंग विद मंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और क्योंकि अभी हम बिहार में रहते हैं तो बिहार में भाई अगर आप सोचो ना कि आप एक जगह पर रह लो चार दिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, खास करके उन लोगों के लिए जो घूम घूम कर पत्रकार में करते हैं। यहाँ पे एक से एक मुद्दे हैं भाई, एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा पैदा हो जाता है। रात को सोचा था कि अभी हम उन लोगों के पास जाएंगे जिन लोगों के घर पर मृत्यु हुई है, पर तब तक पता लग रहा है कि इधर गंगा जी में एक पुल जो 1700 करोड़ की लागत से बना है, 1700 करोड़ रुपये लगाकर एक पुल बनाया जाता है और 1700 करोड़ का वो पुल पानी में गिर जाता है। और यही नहीं, इससे पहले भी एक बार गिर चुका है, वही पुल पहले भी बना था, पिछले 4 साल के अंदर वो पुल 2 बार गंगा जी में गिर चुका है। अब एक बार बना, वो गंगा जी में गिर गया, फिर दोबारा बना और उद्घाटन भी नहीं हुआ, 1700 करोड़ रुपए भी लगे और टूट के पानी में चला गया। तो अब रात को भाई हम आ गए थे भागलपुर और अभी दिखाते हैं आपको तैरता हुआ पुल। ये वही पुल के पीछे हैं जो आज से 2 साल पहले यहाँ से गिर जाता है, पिलर नंबर 5 जो अभी बन रहा है, जो पिछली बार गिरा हुआ था, और पिलर नंबर 4 अभी उसका पता ही नहीं है। पिलर नंबर 4-5 पिछली साल गिरा हुआ था और अब आगे एक था विकास और एक थी प्रगति। भाई एक था विकास और एक थी प्रगति। अब ये लड़का और लड़की मत समझना, विकास और प्रगति एक ही है, कह सकते हो विकासशील या प्रगतिशील। मतलब बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि बिहार में प्रगति की या विकास की गंगा बहेगी, और अभी हम गंगा नदी पे ही खड़े हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा विकास दिख रहा है मुझे, इतना ज़्यादा प्रगति दिख रही है, भाई मैं परेशान हो गया हूँ कसम से। यही 15 करोड़ का, नहीं 15 नहीं यार, 1700 करोड़ का, 1700 वो वाला 1700 करोड़ का पुल बना, अभी पूरा भी नहीं हुआ और ढह भी गया। बताइए पिलर नंबर 1 तो पिलर ये पीछे है हमारे, ऐसे ऐसे पिलर कितने गिरे हैं पता है? कितने? 9, 10, 11, 12, 13 5 पिलर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये बनते बनते ढह गया। हालांकि जब इस पे चलने लगता गाड़ी वाड़ी तब कहाँ जाता, जब गाड़ी वाड़ी चलता तो गाड़ी भी तैरने लग जाता जैसे गंगा में। मतलब कमाल है यार, जब पानी में गंगा में इतनी तेज इतना भारी ये पुलिया तैर सकता है तो गाड़ी क्यों नहीं तैर सकती भाई? अब बताओ, बन जाता, तैयार हो जाता इस पे गाड़ी बस ट्रक, लोग 80 की स्पीड में शू करके जब यहाँ से जाते और पता लगता वो नीचे आ गए तो वो तो धूम फोर शूट कर लेते, उनकी गाड़ी भी तैरने लग जाती भाई। खैर बहुत अच्छा विकास और बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है बिहार में, देखकर खुशी हो रही है। ऐसे ही प्रगति ऐसे ही विकास होता रहे। बाकी इस पुल को बनाने वाले कौन हैं? एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस पुल को बना रही है, और सिंगला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि सिंगला ये कंस्ट्रक्शन कंपनी हर एरिया में बैन है सिवाय बिहार में काम कर रही है, सिवाय बिहार के हर जगह बैन है, कहीं इसको काम नहीं मिल रहा है। तो बिहार में इतना भी क्या प्यार सिंगला कंपनी से मुख्यमंत्री जी, जो इन्हीं को दे रहे हैं सारा कंस्ट्रक्शन। खैर मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा भाई, बस इतना बताऊँ कि पिछले दो साल पहले भी ये पुल गिरा था और उस टाइम इंजीनियर कह रहे थे कि हवा आई और हवा आंधी आई इसलिए ये पुल गिर गया। बताओ इतना मजबूत पुल हवा पानी से भी गिर सकता है, आंधी से भी गिर सकता है? अगर आंधी से गिर सकता है तब तो मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ऊपर से मेरे ऊपर ही ना गिर जाए साला। डर का बात है भाई, ज़िंदगी का सवाल है, मैं क्यों इतना रिस्क लूँ नीचे खड़ा होकर, है ना? गिरा तो मुझे भी ले जाएगा फोकट में, इतना प्यारा लड़का हूँ मैं घर वालों का। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और विकास को चलने देते हैं, प्रगति को भागने देते हैं ऐसे ही। टेक केयर, बाय बाय।